अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफिया अहमद है और मैं एक कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और टेली हेल्थ कंसल्टेंट हूँ एट सेहत कहानी। जैसे कि आपको पता है, सेहत कहानी एक ऑनलाइन टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जो है अपने ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। थ्रू आउट द रमज़ान हम जो है आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके साथ हमने अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया है ताकि आपके कॉमन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। और आज जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी एंड टेली मेडिसिन इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। इसके लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम डॉक्टर मुबशिर है। ही इज एन MBBS डीडर्म एंड MSc डर्माटोलॉजी। ही इज अ क्लिनिकल एंड कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट इन लमसा क्लिनिक सऊदी अरेबिया। ही हैज अ वाइड एक्सपीरियंस बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली इन द फील्ड ऑफ डर्माटोलॉजी। सो वेलकम डॉक्टर मुबशिर। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो एक सवाल कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी? या आजकल बहुत बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं डर्माटोलॉजी में, तो इसमें कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, है क्या चीज़? देखें, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी जो है ना, इट इज ऑल्वेज बीन अ पार्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी। ठीक है, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का ताल्लुक जो है डर्मेटोलॉजी की उस फील्ड से है जो के लोगों की खूबसूरती और कॉस्मेटिक्स एज द वर्ड इम्प्लाइज उससे एसोसिएटेड है। तो आमतौर पे इन अ ब्रॉड सेंस ऑफ टर्म आप यूँ समझ लीजिए कि जो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के एंड पे जो एक तरह से नुकसान हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एक्नी हुई, ठीक है, एक्नी जब ट्रीट होगी उसके बाद जो भी वो एक डैमेज कर चुकी होगी उसको कवर करने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी यूज़ की जाती है। आजकल कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी जो है वैसे भी इट्स अ वेरी बूमिंग फील्ड, तो इसके अंदर बहुत सारी नई नई मोडेलिटीज आ गई हैं, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज आ गई हैं। तो अ पर्सन डज नॉट हैव टू बी सिक, ही डज नॉट हैव टू हैव एनी स्किन डिजीजेस टू यूज कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। तो अब जो है एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद योर ब्यूटी नॉट डिजीजेस, तो वो चीज़ जो है हम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में कवर करते हैं। हैविंग सेड दैट, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द टेम्पररी इम्प्रूवमेंट, राइट, फिर परमानेंट इम्प्रूवमेंट जो है फिर हम लोग फिर वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। तो एवरीथिंग दैट इज नॉट सर्जिकल, दैट इज टेम्पररी एंड दैट इज यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लुक, ऑफ अ पर्सनस लुक, अ पर्सनस अपीयरेंस, दैट्स कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। ग्रेट। अच्छा, अभी आपने बताया कि जो है व्हाट्स अपीयरेंस है और ब्यूटी है, तो ये इसमें तो फिर एक नया सवाल आता है कि फिर कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि हमारे पास कॉस्मेटोलॉजी तो बहुत टाइम से चल रही है और इसके लिए बहुत फेमस है हमारे पार्लर्स, तो जी अब जी इसमें डर्माटोलॉजिस्ट का क्या रोल है? अच्छा देखें, कॉस्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी को ना हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, ठीक है। जो कि बेसिकली स्टॉक का जो पर्पस है वो ये है कि ऐसी मिथ्स और मिसकंसेप्शन को रिमूव किया जाए। कॉस्मेटोलॉजी इज बेसिकली जस्ट द ब्यूटी, यानी सिर्फ ब्यूटी को एनहांस करते हैं। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक मेडिसिन के अंदर ना हम मेडिसिन को इंडक्ट करते हैं, राइट। कॉस्मेटोलॉजी इज एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके जो हेयर कटिंग है या आपकी नेल पॉलिशिंग है या ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, जो जिनमें मेडिसिन के साथ मेडिसिन का ताल्लुक नहीं होता। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी इज एक्चुअली इस मेडिसिन, ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हर वो चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं, आप केमिकल पील यूज कर लें, आप डर्मारोल यूज कर लें, आप उसके नीडलिंग कर लें, बोटॉक्स फिलर्स, एवरीथिंग, PRP, हर चीज़ जो है इसके अंदर जो है एक एलिमेंट ऑफ मेडिसिन इंक्लूडेड है, राइट। तो हम लोग बहुत ज़्यादा, मैंने अक्सर आपने भी देखा होगा चीज़ कि हम लोग इवन जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी गलती से अपने आप को कभी कभार डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट लिख देते हैं, राइट। तो सिर्फ ये जो है ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि देयर इज अ वेरी वाइड डिफरेंस बिटवीन कॉस्मेटिक मेडिसिन कॉस्मेटोलॉजी, राइट। एनी वन कैन बी अ कॉस्मेटोलॉजी, बट फॉर कॉस्मेटिक मेडिसिन यू नीड टू हैव यू नीड टू बी अ डॉक्टर और रिलेटेड टू हेल्थ केयर प्रोफेशन। अब इसमें कॉस्मेटिक मेडिसिन जो है इसके अंदर दो किस्म की आ जाती है मेडिसिन से, एक तो जो पेनिट्रेटिंग होती है जो जिसके अंदर हम लोग बोटॉक्स और फिलर्स ऐड कर देते हैं, और एक होती है नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव के अंदर फिर एवरीथिंग फ्रॉम लेजर टू केमिकल पील्स टू इवन डर्मा रोलिंग भी जो है वो सुपरफिशियल लेयर्स तक जब उसको नॉन इन्वेसिव होती है। नॉन इन्वेसिव जो है वो तो एनी वन कैन डू इट, राइट, लेकिन यू नीड अ लाइसेंस फॉर दैट। बट जो इन्वेजिव है इसमें बोटॉक्स और फिलर्स आती हैं, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज है वो ज़्यादातर बोटॉक्स और फिलर्स पर ही है। तो फॉर दैट यू यू नीड टू हैव अ लाइसेंस, राइट, एंड यू नीड टू हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो ये बेसिकली बहुत मोटा डिफरेंस बिटवीन कॉस्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक मेडिसिन। अच्छा, अभी आपने जो है अपनी
जब आपने बहुत सारे नाम लिए प्रोसीजर्स के, तो सवाल यह है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स? देखिए इसमें जैसे मैंने कहा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो है हम दो बहुत ब्रॉड उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होते हैं नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव मैंने कहा जिनमें आपको एस एच लाइसेंस नहीं चाहिए होता ऑफ बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट। आप एक फिजिशियन इवन आजकल जो है वो हमारे पार्लर सलून में भी हो जाता है, जिसमें सबसे जो बहुत ही कॉमन है वो जी लेजर है, लेजर हेयर रिमूवल। इट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग जो हर बंदा जो कॉस्मेटिक मेडिसिन में दाखिल होता है वो सबसे पहले लेजर हेयर रिमूवल की तरफ जाता है। लेजर हेयर रिमूवल का, लेजर का बेसिकली हेयर रिमूवल के अलावा भी और चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल टैटू रिमूवल होती है, या पिगमेंटेशन रिमूवल होती है, या जनरल स्किन बेटरमेंट होती है जिसको स्किन रिसर्फेसिंग कहते हैं। आजकल दिस इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव फील्ड। उसके अलावा केमिकल पील्स, केमिकल पीलिंग के अंदर भी यू समझे कि हर वो चीज जो आपकी स्किन को रिमूव करे दैट्स केमिकल पील। हम केमिकल पील्स जो है उसके लिए हम यूज करते हैं एसिड्स, ठीक है। उसमें बहुत माइल्ड एसिड्स होते हैं जो टेक्निकली आप स्किन को बर्न कर रहे होते हैं, इट्स अ कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ द स्किन, राइट। तो फिर उसमें होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, जो हेल्थ केयर फिजिशियन होते हैं, जो कॉस्मेटिक फिजिशियन होते हैं, दे कैन चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पील्स। एंड देन वो पील्स जो है वो डिपेंड करता है कि जी कितनी डेप्थ पर जाती हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल सुपरफिशियल होती हैं, ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, लोग अपने घर में भी अब लगा सकते हैं। फिर ये है कि एज यू गो डीपर देन यू हैव टू कंसल्ट अ फिजिशियन फॉर दैट, राइट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कॉमन चीज़ जो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं दैट इज डर्मा रोलर। पहले तो सिर्फ क्लिनिक्स में यूज होता था लेकिन आजकल जो है वो होम बेस्ड भी आ गए डर्मा रोलर्स। डर्मा रोलर्स का जो असल कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका कॉन्सेप्ट ये है डर्मा रोलर्स का कि यू डैमेज योर स्किन टू रिन्यू इट, राइट। इट्स अ डैमेज। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो इनिशियल जो इसकी इंडिकेशन होती थी डर्मा रोलर की वो होती थी एक्नी स्कार्स के लिए। तो अब स्कार्स का इशू ये है कि दे आर हील्ड स्किन, मतलब यू हैव अ हील्ड स्किन, एबनॉर्मली हील्ड स्किन, आपकी स्किन जो है वो एबनॉर्मली हील हो चुकी है, ऑल्दो इट्स एबनॉर्मल बट इट्स हील्ड, राइट। तब आप सही चीज को तो ठीक, आप खराब चीज को ठीक कर सकते हैं, आप सही चीज को कैसे ठीक करेंगे? तो उसका तरीका होता था आपसे दोबारा डैमेज कर दें। तो डर्मा रोलर जो है फिर आजकल जो है वो बहुत सुपरफिशियल भी आने लग गए हैं, जिनसे स्किन जो है वो बेसिकली वो आपका जो कोलेजन है वो बनता है, वो स्किन को डैमेज कर देते हैं। और जब नई स्किन आती है तो न्यू कोलेजनोसिस होता है, तो नया कोलेजन बनता है, नया ब्लड सप्लाई आती है, तो स्किन जो है वो टाइटर और यू नो ज्यादा बेहतर हो जाती है। उसके अलावा आजकल पीआरपी है, PRP is like, is basically derma rolling, derma roller skin needling, और आप उसको ऐड कर देते हैं विद सम मेडिकेशंस, राइट। अब इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है जो इसमें मेडिकेशंस यूज होती हैं। ज़्यादातर जो इसके अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो स्किन की रिजुविनेशन के लिए है। यू नो आजकल आपने सुना होगा शायद वेम्पायर फेस लिफ्ट आता है, तो उसमें आपका ब्लड लेते हैं, उसमें PRP के ब्लड लेते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर आपकी जो बिल्कुल जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसको दोबारा इंजेक्ट कर देते हैं। आजकल ये हेयर ग्रोथ में भी यूज होता है, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे हेयर ग्रोथ के लिए PRP के रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखे नहीं, स्किन रिजुवेनेशन के लिए इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट दैट। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं जी जो इन्वेसिव प्रोसीजर ने बताया उसमें बोटॉक्स है, दैट्स अ बोटुलिनम टॉक्सिन, जो बेसिकली आपकी स्किन को आपके मसल्स को टेम्परेली पैरालाइज कर देता है, तो आपके जो रिंकल्स होते हैं वो सब जो है वो सप्रेस हो जाते हैं। और फाइनली जो फिलर्स होते हैं जिसमें आपकी आपकी स्किन के आपके फेस के अंदर बल्कि तो हाथ के अंदर भी और पैरों के अंदर भी जहां जहां पे भी कुछ कमी हो जाती है विद विद एज विद सनलाइट किसी भी वजह से कोलेजन की, तो उस जगह पे झुरियां आ जाती हैं, उस जगह पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए हम लोग फिलर्स यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेकिन ये चार पांच जो है बहुत मोटे मोटे से प्रोसीजर जो हम लोग ठीक, करते हैं। अच्छा, अब ये सारे प्रोसीजर्स तो हैं, एंड हैविंग सेड दैट, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना बूम है और बहुत इजीली अवेलेबल है नॉलेज, एंड देयर इज लॉट ऑफ सोशल मार्केटिंग एज वेल, तो लोगों को रादर देन गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्टर, दे आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर. तो हाउ कम अ पर्सन, ले पर्सन जो कि घर बैठे हुए हैं, हाथ में फोन है, स्क्रोलिंग डाउन इन दे सी लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स विद न्यूमरस बेनिफिट्स, एंड हाउ कम दे कैन नो कि विच प्रोसीजर इज गुड फॉर देम,
उनको किस प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि मरीज इन खुद आता है, हमें ये प्रोसीजर करना है, आप हमें ये करके दें. सो वेदर दे डोंट नो कि उन वो उस प्रोसीजर करता क्या है या उस उनके लिए सूटेबल है कि नहीं, तो फिर लोगों को आप किस तरह एजुकेट करेंगे इस मामले में? देखिए एक जो डाउन साइड है ना कॉस्मेटिक मेडिसिन का, वो यही है कि जैसे क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के अंदर ना यू टेल द पेशेंट व्हाट दे नीड, राइट। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का एक डाउन साइड ये है कि जी पेशेंट टेल्स यू व्हाट दे नीड, राइट, एंड यू हैव टू ऑनर द पेशेंट्स रिक्वेस्ट एंड देयर डिजायर्स। लेकिन जो चीज़ पेशेंट्स कर सकते हैं वो ये है कि जी ऑलवेज, अब देखें अगर आपका फ्रिज खराब होता है ना तो आप फ्रिज वाले के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी खराब हो जाए मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, आप गाड़ी खराब हो जाए तो आप सभी वाले के पास ही लेके जाते हैं। तो अगर आप ले गए और उसे सही कर भी दी तो आपको ही पता है कि वो कैसे सही होगी। तो अगर आपको, इफ यू हैव टू डू एनीथिंग विद योर स्किन, असल में हम लोगों ने स्किन को के उसमें हमने बहुत ज्यादा फियर क्रिएट किया है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। हमने लोगों के अंदर एक खौफ क्रिएट किया है, हमने हर चीज को स्किन के लिए खतरनाक साबित कर दिया है, ठीक है। हमने पानी को भी स्किन के लिए खतरनाक साबित कर दिया है, हमने मतलब कोई चीज यू नेम इट, और हमने ये साबित किया कि जीती है इससे आपकी स्किन खराब होती है। तो अच्छा, मुझे ये इस फील होता है इसमें दो पैराडाइम्स हैं, या तो सब चीज जी सच्ची है, वो जी बिना खौफ व खतर सब चीज हो रही है, जी या तो इतना जी डर गए हैं कि बेसिक चीज भी नहीं हो रही है, बिल्कुल कोई सही है, बीच बिल्कुल में सही है। कोई म्याना बीच रवि का कोई तवाजन नहीं है, है ही नहीं वो हमारे हमारे यहाँ एक्सट्रीम्स नहीं पे है, पोलैरिटी है स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू वही से. ना वही। हम लोग जो है बाजार का और गंदे गंदे खाने खा के, फिर आके मेरे डॉक्टर साहब कहते हैं डॉक्टर साहब इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। भाई तुम जो कुछ खा के आ रहे हो उसके मुकाबले में इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है भी तो जो कुछ तुमने खाया है, जिस चीज़ में, जिस पानी में तुमने उसको धोया है उसके मुकाबले में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो द थिंग इज कि ठीक है, कॉस्मेटिक मेडिसिन का सबसे पहली जो चीज़ जो लेम इनको करनी चाहिए वो ये, थोड़ी मेहनत कर लें, आप किसी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, ठीक है। आप और स्पेशलिस्ट के पास जाके आप उस स्पेशलिस्ट की राय लें कि जी वेदर आई आई रियली डू नीड दिस और नॉट, ठीक है। आपको किसी ने कह दिया कि जी आपकी स्किन पे बहुत झाइया है, सही है, या आपके उससे किसी ने कह दिया कि आपके ओपन पोर्स है, आप ओपन पोर्स या नॉर्मल थिंग, ठीक है, सबके होते हैं। लेकिन यह है कि हम लोगों के जो फिर जो आइडियल्स है ना वो इतने, हम लोगों के इतने ज्यादा क्या कहेंगे उसको, हम लोग क्योंकि जो सोच है ना, जो रिक्वायरमेंट उतनी हाई हो जाती है, हम लोग कहते हैं जी बस ये ओपन पोर्शन को खत्म होना चाहिए। फिर ये कि हम लोग टीवी में देख कर और सोशल मीडिया पे देख के हम कहते हैं कि जी ये साफ हो गए, साफ हो जाने चाहिए। फिर जब जब नहीं होते तो फिर हम लोगों का जो है वो, हम लोगों का एक पारा चढ़ जाता है कि जी इतने पैसे खर्च कर दिए, क्यों? बिकॉज वी डिड नॉट गो टू द राइट पर्सन टू स्टार्ट विद, ठीक है ना। हमने किसी जो बंदा पाता है, हमें तो जो टीवी पे आके कहता है कि जी मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, कहते हैं हम उसका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, जो मॉर्निंग शो में आके फ्रेंकली स्पीकिंग बैठता है, लाइनें लग जाती लाइनें हैं. लग जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो सुन लें कि देखें जी जो जो काबिल तरीन लोग आपके मुल्क में सब बैठे हुए हैं ना, उनके पास टाइम नहीं कि वो टीवी पर है, ठीक है। वो उनके अपने बहुत वो हैं। तो इसलिए पहली बात ये है कि आप जो है ना चूज मल्टीपल, गो टू एन एक्सपर्ट, गो टू अ फिजिशियन, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और फिर उससे जाके पूछें डॉक्टर साहब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं, और अगर मैं इस चीज़ की ज़रूरत तो कितनी ज़रूरत है। सही है, आपको हो सकता है वो आपको ओपन पोर्स हो ही नहीं, लेकिन आपको लोगों ने देख देख के कह दिया अरे तुम्हारे तो ओपन पोर्स हैं, इनको सही तो करवाओ। अब वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके ओपन पोर्स बड़े हैं ही नहीं, आपको इतना मसला है ही नहीं, राइट। तो इसलिए सबसे पहले से वो ये है कि विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि विजिट टू डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। आप दो तीन लोगों से मशवरा लें, और उसके बाद अगर वो दो तीन लोग आपको एक ही बात करें देन गो विद इट, ठीक है। आपको देखें, मैं ये नहीं कहता कोई मेरे पास आके कहे डॉक्टर साहब मुझे चाहिए, तो मैं ही नहीं कहता कि भाई तुम मुझसे ही लो, मैं कहता हूँ यार तुम्हें मेरे मुताबिक तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम किसी और से मशवरा कर लो, एंड देयर इज नो नो हार्म इन दैट। और फिर अगर तुम्हें उससे मशवरा करके तुम्हें ये बात समझ आए तो तुम किसी भी करवा लो, राइट। तो इसलिए लोगों से थोड़ा सा जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा करें। और ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि ट्राई टू कीप कीप एवरीथिंग एज मिनिमम एज पॉसिबल, राइट। कॉस्मेटिक मेडिसिन की कोई इंतहा नहीं है, आपके पास जितना पैसा है आप पैसे फेंकते रहें, आपको नई से नई चीज़ मिलती जाएगी, बार बार मिलती जाएगी। मेरे पास ऐसी भी पेशेंट्स आती हैं जिनके मुंह फिलर से भरे हुए होते हैं, तब भी आके कहती हैं डॉक्टर साहब मुझे इसमें फिलर दे दें। अब मैं वो कि जी मैं कहाँ से दूँ, इसमें और जगह ही नहीं है तुम्हारे मुँह के अंदर फिलर देने की। लेकिन उनको एक उनका एक वो बना होता है, क्योंकि सब सब कह रहे हैं कि जी और फिलर ले लो, तो जी आप फिलर लेते चले जाते हैं। तो इसलिए डोंट ओवर डू इट, ठीक
ठीक है, विजिट मल्टीपल फिजिशियंस, उनका अपना अपना आइडिया लीजिए, और जो है जितना मिनिमम अपने आपको रख सकते हैं ना वो करें, क्योंकि देखिए आप मिनिमम एक मिनिमम लेवल पे रखते हैं ना अपने आपको, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा कुछ अपने मुंह में भर ली ना, या बहुत ज्यादा आपने ओवरडू कर लिया, तो फिर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा अक्सर आजकल ये अरेबिक ड्रामों के अंदर, इवन मूवीज के अंदर, खवातीन के मुंह यूं करके पीछे खिंचे हुए होते हैं, पूरे बुट्टी बुट्टी होती है, ये करके उनके मुंह जो है वो यूं करके पीछे स्किन गई हुई होती है, वो उनके बिल्कुल मुंह उनके फैले हुए होते हैं, उन्हें वो, क्योंकि इस रीजन ही होती है कि दे ओवर डू थिंग्स। तो डोंट डू दैट, ठीक है, चीजों को सिंपल रखें, एंड विजिट विजिट अ फिजिशियन, टॉक टू स्पेशलिस्ट फॉर दैट। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी कि व्हेन गोइंग टू द फिजिशियन, और हमको एज अ फिजिशियन भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाना होता है, बिकॉज पेशेंट ये समझते हैं कि हम आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, विच इज अगेन एक ऑनेस्टली बात है, इट्स एक्सपेंसिव। तो जब वो इतना मनी स्पेंड कर रहे होते हैं तो दे हैव एक्सपेक्टेशंस दैट आर स्काई हाई, और फिर उनको रियलिटी में लाना और उनको बताना कि जी आपका इतने सेशंस पे भी इतना ही काम होगा, योर स्किन हैज अ पोटेंशियल, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट पोटेंशियल, बिकॉज अभी ये है कि क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, सो पीपल दे आर नॉट यू नो ट्रू कि आप कितना अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली, अब ये है कि प्रोसीजर्स हो रहे हैं, बहुत किस्म के हो रहे हैं, एंड पीपल आर गोइंग फॉर इट। सो अब जो कोई है पर्सन, इफ समबडी इज गोइंग फॉर अ प्रोसीजर, लेट्स से अ नॉन इनवेसिव प्रोसीजर, सो व्हाट शुड दे कीप इन माइंड, उनके ध्यान में क्या होना चाहिए कि हम एक नॉन इनवेसिव प्रोसीजर करा रहे हैं, जैसे पील हो गई या फिर हमारा IPL हो गए, फोटो फेशियल हो गए, ये तो हेयर रिमूवल हो गया, ये सब नॉन इनवेसिव है। अब ये कराने जा रहे हैं तो जहन में क्या होना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये कैन रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि आपके मेरा गलत थोड़ा सिग्नल बीच में वो हो गए थे, ड्रॉप हो गए थे। इफ समबडी इज गोइंग फॉर अ नॉन इनवेसिव प्रोसीजर, तो जी उनको किन साइड इफेक्ट्स को माइंड में रखना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हैं, ये नहीं है कि आपका बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होती है इस फील्ड में, यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव सम साइड इफेक्ट्स। तो लोगों के जहन में क्या होना चाहिए कि उनके क्या साइड इफेक्ट्स वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इफ दे आर गोइंग फॉर नॉन इनवेसिव प्रोसीजर्स। देखें, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि टॉक टू अ स्पेशलिस्ट, ठीक है, टॉक टू एन एक्सपर्ट, क्योंकि यूजुअली कॉस्मेटिक मेडिसिन इज क्वाइट सेफ, ठीक है, एवरीथिंग यू डू इन कॉस्मेटिक मेडिसिन इज क्वाइट सेफ इन द हैंड्स ऑफ अ स्पेशलिस्ट, राइट। यू समझिए कि जैसे लेजर हेयर रिमूवल, इट्स समथिंग वेरी बेसिक, ठीक है, इट्स समथिंग सो बेसिक कि मेरा ख्याल है मैंने पिछले 4 साल में नहीं की, क्योंकि वो मेरी नर्स कर रही होती, ठीक है, इट्स समथिंग दैट सिंपल, लेकिन माई नर्स इज ट्रेंड, right, exactly, having a good hair removal session versus having a burnt skin at the end of her hair removal session, iske beech mein na wo specialist khada hua hota hai, theek hai, wo specialist ka hard decisive factor hota hai ki aapki skin jo hai uska jo skin ki jo resurfacing hogi to andar se aapki skin achhi aayegi ya aapki skin jalegi, राइट, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, लेकिन उसमें भी स्किन बर्निंग तो होती है। इसी तरह से आप केमिकल पील उठा लीजिए, केमिकल पीलिंग इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर, इज क्वाइट अ वेरी सेफ प्रोसीजर, लेकिन अगेन अगर आपने जो चीज आपने 4th सेशन में करनी थी वो किसी बंदे ने अगर 1st सेशन में कर दी तो स्किन बर्न हो जाएगी, ऑल्दो वो बर्न जो है दैट इज नॉट परमानेंट यूजुअली, अगर आपने बिल्कुल ही TCA यूज कर दिया बहुत ही सीवियर किस्म का, ठीक है, तो फिर तो स्किन आपकी बर्न होनी होनी है, लेकिन ये है कि यूजुअली साइड इफेक्ट्स होते हैं नॉर्मली स्किन, सॉरी लेजर हेयर रिमूवल के बाद रेड स्किन, दैट्स समथिंग नॉर्मल, यूजुअली पीलिंग सेशन के बाद रेड स्किन, समथिंग नॉर्मल, अगर आपकी स्किन रेड नहीं हो रही पीलिंग सेशन के एंड में तो उसका मतलब आप सही काम नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह से जो डर्मा रोलिंग होती है, जो स्किन नीडलिंग होती है, उसके एंड में अगर ब्लड नहीं निकल रहा स्किन से, अगर ब्लीडिंग नहीं हो, उसका मतलब है कि आप सही नहीं कर रहे, क्योंकि there has to be bleeding, लेकिन अगेन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं फिजिशियन के हाथ पे, फिजिशियन पे, वैसे तो किस्मत पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो है ना अदर देन दैट फिजिशियन के हाथ पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज इफ ही नोज व्हाट इज डूइंग, तो एक बहुत जैसे स्किन रिसर्फेसिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिसर्फेसिंग जिसको हम कहते हैं CO2 लेजर से, उसमें बहुत बुरे बुरे मैंने रिजल्ट्स देखे, बिकॉज यू हैव टू बी, लेकिन वो इनवेसिव है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इनवेसिव है। अच्छा, हम कंबाइन कर लेते हैं कि अब इनवेसिव के क्या साइड इफेक्ट्स, अगेन वही चीज है, देखें साइड इफेक्ट्स आर टेंपरेरी,
मोस्टली, ठीक है, मोस्टली साइड इफेक्ट्स आर टेम्पररी, लेकिन बोटॉक्स का बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है जी, किसने ओवरडू कर दिया, ठीक है, तो आपको भी पता है आई लुक ड्रूप हो जाती है, ठीक है, उसके बाद, लेकिन यह है कि अगेन वो सारे जो साइड इफेक्ट्स दे ऑल टेम्पररी, तो जो फिजिशियन है ना उसका काम है ये बताना कि आपको जितने भी, सबसे पहली चीज जो हर शख्स ने जो उस वक्त कॉस्मेटिक मेडिसिन कंसिडर भी कर रहा है उसको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इट्स ऑल टेम्पररी, ठीक है, कोई परमानेंट सोल्यूशन आपको कोई शख्स किसी भी चीज का नहीं दे सकता कॉस्मेटिक मेडिसिन में, ठीक है, अनलेस वो आप यू हुई पुट्स यू अंडर अंडर ब्लेड, वो आपकी सर्जरी कर दे, अदर देन दैट कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो आपके ध्यान में होनी चाहिए वो ये कि जी आप जो भी काम करने जा रहे हैं दैट्स नॉट परमानेंट एंड यू नीड, आपको सेशंस बार बार मल्टीपल सेशंस, और उसके बाद आपको उसके जो फॉलो अप पे बार बार करना पड़ेगा। तो अगर कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि आप फॉलो अप पे मेरे पास आइएगा तो वो आपको लूट नहीं जा रहा नेसेसरीली, ठीक है ना, वो आपकी जेब पे डाका नहीं डाल रहा, वो आपको बुला रहा है बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड, राइट। और उसके अलावा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं फिर वो सब देवर टेम्परेरी, केमिकल पीलिंग के बाद जो है स्किन पीलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है उसके। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं भूल गया था वो ये है कि जो साइड इफेक्ट्स होते हैं दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पेशेंट, राइट। आपने अगर पीलिंग करवाई है तो आपको सनब्लॉक यूज करना है लाजमन, अगर आप सनब्लॉक यूज नहीं करते योर स्किन विल कंटिन्यू टू बर्न। आप अगर पीलिंग करवा के आती हैं और आके आप किचन में घुस जाते हैं खाना बनाने के लिए तो आपकी स्किन तो खराब होगी होगी। तो इसलिए ये जो जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वेल इन्फेक्शन से लेके, तो इन्फेक्शन हो सबसे कॉमन है सूची वो बर्न हो जाती है स्किन, इन्फेक्शन हो सकते हैं, और ये दो तीन बहुत कॉमन कॉमन है, लेकिन आमतौर पर इट्स क्वाइट सेफ फील्ड, दैट्स ठीक, व्हाई। अब हम आ जाएं कि एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एज अ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस होते हैं फॉर अ प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट? एक तो ये जो मैं आई कैन कैन स्पीक फॉर आवर्स, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो वो है ना वो होती है कि जो द सेंस ऑफ नोइंग एवरीथिंग ऑफ द पेशेंट, सेंस ऑफ नोइंग एवरीथिंग अ पेशेंट, सेंस ऑफ नोइंग मोर देन मी, ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम सर ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक सैलाब है लेकिन नॉलेज का नहीं है, राइट। हमारे पास इंफॉर्मेशन बेतहाशा है लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें से क्या चीज पिक करनी है, क्या चीज काम की है। तो वो जब सब इंफॉर्मेशन को लेकर हमारे पास आते हैं ना, दैट इज द फर्स्ट चैलेंज, राइट। प्रॉब्लम सारी ये है कि हम लोगों ने, खैर उस पर मैं आगे बात करूंगा, कि एक जो चीज बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो ये कि जो मिस इंफॉर्मेशन है जिसको कहते हैं मिथ्स, उन मिथ्स को काउंटर करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। तो एक बगैर किसी रुकावट के ना हर तरह की चीजें लोगों को एक से एक वो मिल रही होती है और लोगों को यूज कर करके आए होते हैं, फिर वो हमसे ये कहते हैं डॉक्टर साहब आप मुझे वो रिजल्ट दें कि जो रिजल्ट हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए। अब वो उनके जहन में एक वो बैठ गई है कि मुझे रंग गोरा करना है, ठीक। अब आप उनको कितना भी समझा लें कि जी ये रंग गोरा करना जो है दैट इज नॉट सम, मतलब इतना नहीं होता आपकी आपके जो नॉर्मल, लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो जो फला जो हमारा वो है उन्होंने यूज किया था तो वो इंजेक्शन लगवाया, तो उसमें बाद में बात करूंगा, वैसे वाइटनिंग इंजेक्शन से मेरा फेवरेट टॉपिक है उस पर, तो अगेन लाइक कैन स्पीक फॉर आवर्स। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि वो एक मिथ्स है, ये मिथ्स हमारे यहाँ बहुत डीप रूटेड है और मतलब एक तरह से ईमान का दर्जा बन जाते हैं लोगों के। आप उनको कुछ भी समझा लें कि सर में तेल नहीं लगाना, डैंड्रफ है तो सर में तेल नहीं लगाओ, अच्छा डॉक्टर साहब तो मैं सरसों का नहीं लगा सकता तो मैं बादाम का, अरे बादाम नहीं लगाना कोई सा भी, अच्छा डॉक्टर साहब तो चंबेली का लगा सकता हूँ, भाई कोई नहीं लगाना, राइट। तो ये एक डॉक्टर साहब वो मैं मेरे ना खारे बाल से मेरे बाल गिर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ भाई अगर खारे पानी से बाल गिर रहे होते तो मच्छर सारे गंजे होते, राइट। तो लोगों को ये चीजें, लोगों के पास बहुत सारी मिथ्स है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा ये जो तो बहुत, डिलेमा है ना, हमारा हेल्थ केयर में ही डिलेमा है ना, इट इज पेनिट्रेटिंग लेकिन इन एवरी स्पेसिफिक फील्ड। स्किन को तो हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना, तो उसमें तो हर हाँ एवरीबॉडी इज इनटू लेकिन इट, एवरीबॉडी इज लेकिन यूजिंग मसला इट। मसला ये कि मिथ्स क्रिएट करने में ना सबसे ज्यादा जो मिथ्स है ना वो मेरा ख्याल हमारे पास स्किन के बारे में है, सबसे ज्यादा मिथ्स एग्जैक्टली, हमारे नो पास, डाउट। हमारे पास आपको शायद सर्जन अगर कोई सर्जरी में और मेडिसिन दूसरी फील्ड में शायद आपको इतने ना मिले, मिलते हैं लेकिन वो बिल्कुल चंद एक होते हैं, लेकिन स्किन के बारे में तो सर के बाल और दाढ़ी के बाल और मतलब हर चीज के ना हमारे भरे पड़े मिथ्स। तो एक तो ये, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है ना वो अपने ही फील्ड के लोगों को बताना है कि भैया प्लीज लर्न अ फ्यू थिंग्स,
राइट, अपने ही जो डॉक्टर हजरात हैं, जो भाई बंधु, उनको बताना, उनको थोड़ा सा बताना कि कि हर शख्स को, मेरा बिलीफ ये कि हर डॉक्टर को ना कॉस्मेटिक मेडिसिन की एबीसी पता होनी चाहिए, राइट, बिकॉज दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम तो कर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो अक्सर लोग बाद में आते हैं, पहले लोग अपने जीपी के पास जाते हैं, राइट। तो जीपी एक बहुत बड़ा जो जो बहुत बड़े प्रॉब्लम है ना, वही कि हमारे जो जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारे जीपीज है, अक्सर वही लोग उन मिथ्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, राइट। वो अक्सर अक्सर वही उनको चीजों को जो है वो इतने इतना हवा दे रहे होते हैं मिथ्स को। तो इसलिए ये दो दो जो प्रॉब्लम्स है सबसे बड़ी ना, और तीसरी प्रॉब्लम ये कि हमारी प्रायोरिटीज दे आर नॉट स्ट्रेट, ठीक है। हम लोग उन चीजों के ऊपर लाखों खर्च कर सकते हैं जिनसे हमारी स्किन खराब होती है, लेकिन अगर आप उससे कहते हैं कि ये आपको पील जो है वो 4,000 की या 5,000 रुपीज की है, तो हमें बड़ा वो हो जाता है कि यार 5,000 रुपए इसमें खर्च करेंगे, Because they've spent a lot of money ना वो एंड में आते हैं ना हमारे पास बिल्कुल they've एंड spent a ये fortune and then they जैसे expect कि आप सब सही कर देंगे with very little amount of money और फिर because and again they have already been wasting their money at every avenue that they could find on their own एंड and दिस इज we द are the फोर्थ last थिंग, resort. ये एक फोर्थ वो है प्रॉब्लम जो मैं जिसपे मैं अभी बात करने वाला था, कि हमारे पास जब तक आते हैं ना, तो भाई आप थोड़ा पहले आ जाए करें, खुदा का वास्ता है, आप सबसे पहले आ जाया करें आ जाए करें। वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा हुआ है उसने 5 साल 7 साल पढ़ाई की है कुछ, उसके उसको पहले लिफ्ट करा दें आप अपने हजाम के पास, अपनी ब्यूटी पार्लर वाली आंटी बाद में चले जाइएगा, आप पहले इनके पास आके इनसे पूछ लें कि जी मुझे कोई बीमारी है भी कि नहीं, और अगर है तो मैं उसको इसको मैं कैसे सही करूँ, ये किस हद तक सही होगी। सबसे बड़ी बात ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे उसमें। मिथ्स अलग है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अलग है। अच्छा नाउ कमिंग टू आवर प्रेजेंट सिचुएशन सिंस वी आर इन द थर्ड वेव ऑफ कोविड सो हाउ विल यू से दैट कोविड-19 हैज अफेक्टेड कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी एंड सेकेंडली सिंस वी आर इन अ टेली हेल्थ सेटअप हाउ कैन टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ सेटअप लाइक सेहत कहानी हेल्प पीपल इन पर्टेनिंग गुड नॉलेज और इन गाइडिंग देम टूवर्ड्स कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी अच्छा, पहले मैं आपके सेकंड पार्ट का जवाब पहले दे देता हूँ। हाउ कैन द टेली हेल्थ फिजिशियंस टैकल दीज थिंग्स। देखें, लाइक आई जस्ट सेड, टेली हेल्थ फिजिशियंस स्पेशली टेली हेल्थ जनरल फिजिशियंस हैं अगेन आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। उन्होंने उनकी जो सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ी जो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे टेली हेल्थ फिजिशियंस के ऊपर, वो ये है कि जी आपको ये जो मिथ्स, मतलब इतनी नॉलेज हर बंदे के पास होनी चाहिए, राइट। थोड़ा सा आप डिस्कस करके अपने जो स्पेशलिस्ट सेहत खाने में बैठे हुए हैं उनसे बात करके, और इतनी नॉलेज हर बंदे के पास होनी चाहिए कि आप जो है लोगों की जो ये प्रॉब्लम्स है ना, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं और जो मिथ्स हैं और जो मिसकंसेप्शन हैं, आप उनको टैकल करें, आप उनको डील करें। जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन का तो सैलाब आ रहा है, लेकिन उसको कोई काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। तो बाय द टाइम वो हमारे पास आते हैं ना पेशेंट्स, वो सारी मिसकंसेप्शन लेके तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें इन हमारे जो फिजिशियंस, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो उनका रोल है जो वो प्ले कर सकते हैं, वो ये है कि वो इन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को और इन इन गलत फहमियों का अजाला करें, ठीक है। और ये आपको सिर्फ सिर्फ स्किन के पेशेंट आपके पास नहीं आएगा, आपके पास कोई भी पेशेंट आ सकता है किसी वजह से। यू शुड नो एबीसी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, राइट, कि जिसमें आप लोगों को टॉक टॉक टू ट्रुथ टू देम, उनको सच्चाई बताइए उनके अंदर, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मिसकंसेप्शन है उनके बहुत डिफरेंट हमारे पास जगह है जहां से हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन आती है, राइट। सोर्सेस बहुत ज्यादा है सोर्सेस बहुत एंड ज्यादा है, राइट। हमारे पास उनको टैकल करने के लिए वो कोई भी नहीं है, आपको काउंटर मैकेनिज्म नहीं है नहीं है हमारे पास, एंड सेकेंडली आई फील कि इफ यू डोंट नो समथिंग इट्स ऑल राइट यू नॉट कैन अ रेफर रादर प्रॉब्लम। देन गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये इट्स ऑल एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली नोबडी इज सपोज टू नो एवरीथिंग एवरीथिंग अगर आपको नहीं पता या इफ यू आर नॉट श्योर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग इट्स ऑल राइट एक्सेप्ट या करने में कोई मसला नहीं कोई है मसला बिकॉज नहीं है भाई, मेडिसिन एंड ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट यू कैन ऑलवेज रेफर और यू कैन ऑलवेज आस्क आपको अगर अगर आपके पास एक पेशेंट जो है वो 2 दफा आ चुका है फंगल इन्फेक्शन को लेके, वो नहीं ठीक हो रहा, तो आप उसको थर्ड टाइम आई मीन आस्क फॉर हेल्प, राइट। आप या तो पूछ लें कि डॉक्टर साहब ये मेरा पेशेंट है, उसको 2 चक्कर लगा चुका, नहीं ठीक हुआ उसका पाँव का, हो सकता है उसको फंगल इन्फेक्शन हो ही नहीं, राइट।
तो ये हमारे पास, और ये बहुत बहुत बड़ा एक डायलेमा है जो हमारे लिए है कि हमारे पास पेशेंट्स अक्सर आते ना, तो वो जैसे मैं आपको छोटा सा छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उन्होंने उनको हेयर फॉल था, राइट। मतलब ये एक बहुत असली वाक्य है। तो वो आंटी थी, वो मेरे ख्याल शी वॉज अबव 60 ईयर्स। तो उनको कह रही, डॉक्टर साहब मेरा ना हेयर लॉस हो रहा है। मैंने कहा, आंटी आप 70 ईयर्स की होने वाली हैं, ठीक है ना, आपके अंदर हार्मोनल डिस्बैलेंस हो रहा है, आपका हेयर लॉस इज समथिंग नॉर्मल, और आपको जो है वो, मैंने उनको छोटी मोटी को दो चार ट्रीटमेंट्स बता दी। तो मुझे बाद में पता चला कि शी यूज टू स्पेंड शी हैज बीन स्पेंडिंग फॉर्च्यून। वो कह रही, डॉक्टर साहब मैं इस पे ना, मैं कमेटी डाल डाल के मैंने इसका इलाज करवाया है, राइट, और मुझे किसी से फायदा नहीं होकर दे रहा था। वो उसकी रीजन यही थी कि जो जिन जिन के पास वो चाहिए थी, दे वर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। एवरी वन वॉज गिविंग हर वन थिंग और दी अदर, चाहिए तो ये, वो एक ही दवाई के चार डिफरेंट ब्रांड्स दे रहे थे। मतलब तो ये एक सबसे बड़ा हमारा मसला है। दूसरा मसला हाउ, जो आपका पहला सवाल था कि कोविड ने कैसे इसको वो किया है। देखिए कोविड का आपको तो पता ना कि पीपल आर रिलक्टेंट टू गो आउट। हमारे पाकिस्तान तो खैर नहीं, लेकिन दुनिया भर में लोग जो है बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो टेली हेल्थ फिजिशियंस हैं, स्पेशली जैसे सेहत का, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया। क्योंकि अगर लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, राइट, तो दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव वेज, ठीक है। तो वो ढूंढ रहे हैं सेहत का नहीं, ऐसी जो ऑनलाइन जो हमारे पास फॉर्म ऑनलाइन फॉर्मेट्स हैं जिससे हम लोगों से, हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो सेहत खानी जैसे जो हमारे पास चीज़ें, यहाँ पे हमारे पास लोगों का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, और बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगेन, कोई मेरे पास अगर आता है किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसेस के लिए, तो उसका तो खतरा तो उसको है ना कि वो मेरे पास है तो यहाँ से मुझसे ना ले जाए, या बाहर वेटिंग रूम में बैठ के किसी और पेशेंट से कोई इन्फेक्शन लगा के ना चला जाए, राइट। तो इसलिए हमारे पास जो सेहत खानी जैसे जो फोरम्स हैं, इनका बहुत, हमारे जो टेलीहेल्थ फिजिशियंस हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नाउ यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर पेशेंट्स, यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर चांसेस And a lot of varieties. अ लॉट ऑफ वेराइटीज। तो इसलिए ये चीजें जो है ना हमारे, इसलिए कोविड ने एक तरह से हमारे लिए एक फायदा ही किया है, इस लिहाज से कि हमें एक मौका मिल गया है कि हम लोगों के, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो है ना, जो इस तरह की जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है या मिस एंड मिसकंसेप्शन, उनको टैकल कर सके, उनको डील कर सके, और उनको उनको रिमूव कर सके, राइट। क्योंकि अब अगर आपके पास फर्स्ट कीजिए जीपी के पास या स्पेशलिस्ट के पास, पहले एक शख्स जो है वो एक जीपी के पास जाता है नॉर्मली, वहां से इलाज करता है फिर। लेकिन अब जो एक ही शख्स आपके पास सुबह एक जीपी के पास, शाम को एक कंसल्टेंट के पास आ सकता है, राइट। तो यह है कि जब दोनों लोग एक ही बात को बताएंगे कि भाई तुम्हारा बालों में तेल नहीं लगाओ, फंगल इन्फेक्शन है तुम्हें, अगर डैंड्रफ है तो बालों में तेल नहीं लगाओ, राइट, तो इसका एक एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो दिस इज हाउ टेलीहेल्थ फिजिशियंस कैन एक्चुअली बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट। हमारे बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक हेल्पफुल सिनारियो हो सकता है कि अगर ये लोग, हम जीपी जो, अगर ये लोग कमर कस ले तो। Thank you, Dr. Mubashir, for your time. Any last words, any message that you want to give to our viewers who are watching us? नहीं जी, बस वही है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनके उनको कंसल्ट किया करें, कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और इसमें कोई ऐसा कोई होता है ना कि आप किसी के पास गए, उसने आपको कुछ नहीं दिया, कोई कम दवाई दे दी, तो वो जाहिल नहीं है, मेरा पूरा मतलब डॉक्टर पूरा नहीं है. ऐसा नहीं है, वो बुरा डॉक्टर है। मेरे पास भी, आपके पास भी आते होंगे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने तो कुछ दिया ही नहीं। अब ये एक और हमारा डायलेमा है बहुत बड़ा, कि अगर हम महंगी दवाई दे दें तो हम ये सुन लेंगे, यार ये तो लूट लूट रहे हैं, तो, और अगर आप सस्ती को चीज दे दें तो यार ये तो सही डॉक्टर ही नहीं है, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं तो नहीं, वो टीका तो नहीं लगाया तो आप तो डॉक्टर नहीं है भाई. डॉक्टर साहब मेरे सर में टीका लगा दें, डॉक्टर साहब टीका, हाँ भाई टीका नहीं लगाया आपने। तो इसलिए जो स्पेशलिस्ट है उनसे, उनको आप कंसल्ट करें, और आप मल्टीपल स्पेशलिस्ट से करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी डॉक्टर को इस बात में कोई वो होना चाहिए, एतराज होना चाहिए कि यार कुछ मेरे पास से करके दूसरे डॉक्टर डॉक्टर के पास जा रहा है वही बात डिस्कस करने के लिए। अगर इसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो उसका हक है, उसका राइट है, इट्स हिज मनी। तो इसलिए, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सबको कहता हूँ, वो ये है कि देखें जी, अ गुड फिजिशियन, पहले पता नहीं कहाँ से आता है कि एक अच्छा फिजिशियन वो होता है जो एक पेशेंट को ये बताएगा उसको कब दवाई नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, खासतौर पर स्किन के हवाले से, ट्रस्ट मी, हम लोग जो हम कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल है, लेकिन
इसे एक्सपेंसिव हम लोगों ने भी बनाया है, ठीक है, हम लोगों ने भी इसको बनाया। मैं अपनी अपनी बात करूंगा कि मैनी टाइम्स हमने बहुत एक्सपेंसिव चीजें हम देते हैं उसको, और दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब खैर मेरा खाना खत्म होने वाला है, लेकिन ये कि एक वाइटनिंग इंजेक्शन के जिक्र के बगैर मेरा कभी भी कोई भी बात पूरी नहीं होती। अब इट्स अ मनी मेकिंग गिमिक, ठीक है। दुनिया का कोई भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो ग्लूटाथायोन है उनको वाइटनिंग के लिए नहीं अलाउ करता, हमने किया हुआ है, ठीक है, हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इट्स अ मनी मेकिंग थिंग, नो डाउट इन दैट। लेकिन यू नो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादा चीज़ें दे शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, दे आर नॉट यूजली वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। आजकल तो बल्कि जैसे जैसे ये एक बूम आ रहा है वैसे वैसे हमारे पास चीपर चीपर ऑल्टरनेटिव भी आ गए हैं। ऑल्टरनेटिव्स हैं। आ गए, अच्छा आ गए। डॉक्टर मुबशिर, वी हैव क्वेश्चंस कमिंग इन। श्योर श्योर तो सखी मोहब्बत का क्वेश्चन है कि आई हैव वेरी इची स्किन एंड ड्राइनेस इन माय बॉडी, आल्सो रैशेस, कुड यू गाइड मी सम सीरम्स एंड फेस वॉशेस अच्छा एक्सेट्रा। देखिए एक्सेट्रा। अच्छा देखिए इसमें दो तीन चीज़ें। पहली बात तो है कि मुझे नहीं पता कि हाउ ओल्ड इज एजेस, हाउ ओल्ड इज ही, व्हाट इज एजेस, ठीक है। क्योंकि अगर तो आपके इसके आप अगर 30 इयर्स 35 इयर्स 40 इयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, तो आपकी स्किन का जो जो फैट डिपॉजिट है वो वैसे डिप्लीट होना शुरू कर दी, ठीक है। तो ओल्डर एज में स्किन वैसी ड्राई होती है, राइट। तो अगेन आई नीड टू नो, आई नीड टू टेक अ हिस्ट्री, हाउ ओल्ड आर यू, आप रहते किधर हैं। अगर आप टूवर्ड्स कराची रहते हैं तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है, तो गर्मी दाने के चांसेस ज्यादा है। आप टूवर्ड्स पिशावर रहते हैं तो वहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा है, तो वहाँ पे आपको स्किन ड्राइनेस के जैसे जो भी है उनके, तो अगेन। और सबसे अच्छा इस बारे में मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। देखें मॉइस्चराइजर्स के लिए, ये मैं अभी जो मैंने बात किया था कि हमने चीज़ों को एक्सपेंसिव किया हुआ है, इस बात को गलत बात है, लेकिन इसको कह मानने में कोई हर्ज नहीं है। जो सबसे अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं ना, दे आर द चीपेस्ट वंस, ठीक है। आपने आपने आप बाजार से जाके आप वो कोई ब्रांडेड ना लें, आप नॉर्मल वैसलीन का या कोई सा भी सोल्यूशन, वैसलीन चले नाम मैंने ले लिया है, तो उसका ऑयल ले लें, उसको मिक्स कर दें ग्लिसरीन के अंदर। उससे अच्छा कोई मॉइस्चराइजर आपको इतना इतना अच्छा मॉइस्चराइजर ना कि आप खुद ही तंग आ जाएंगे कि यार ये मैं इससे कोई कम चीज बट नहीं देन रखता। अगेन, आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज हो कि आपकी स्किन की डिमांड क्या है, नीड डिमांड क्या क्या है। है, डिमांड क्या है, पता चला वही आप ऑलरेडी ऑयली स्किन में और ही बहुत ऑयली आपने मॉइस्चराइजर लगा लगा रहे दिया हैं, तो लगा हो दिया, गया काम। वही एंड नाउ वही कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट केमिकल पील्स फॉर एक्नी? एक्नी के लिए केमिकल पील होती है? होती है एक्ने के लिए केमिकल पील होती है, लेकिन यह है कि ना करें तो बेहतर है। मतलब कीप थिंग्स सिंपल, राइट। अगेन डिपेंड करता है आपकी, सबसे पहला तो मसला है कि आपकी एक्ने है कैसी, सही है ना। अगर आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है तो फिर आपको केमिकल पील्स जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, ठीक है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। अगर आपकी इन्फ्लेम्ड एक्ने है तो फिर पहले आप उसको उसको ट्रीट करवाएंगे, राइट। उसमें फिर डॉक्टर आपको बताएगा जी आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, ओरल एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, या आइसोट्रेटिनिन की जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, फिर वो आपको टॉपिकल भी साथ देगा। तो केमिकल पील्स आर गुड फॉर एक्नी, बट अगेन स्टार्ट स्टार्ट विद सम आई मीन पेशेंट मैं सिलेक्शन है ना पेशेंट बेसिकली, सिलेक्शन है, पेशेंट कॉस्मेटिक्स और डर्मेटोलॉजी इज ऑल अबाउट पेशेंट सिलेक्शन। सिलेक्शन तो अच्छा देखना एक पड़ेगा जी कि और, क्या हाँ मसला क्या है। अच्छा एक और क्वेश्चन है। एज आई ग्रो ओल्डर आई फील देयर इज एक्सेसिव स्किन डेवलपिंग अराउंड माय फोरहेड, इट फ्रीक्स मी आउट, हाउ डू आई रेक्टिफाई दिस? आल्सो ड्यूरिंग समर्स माय ब्रेकआउट्स, स्किन ब्रेकआउट्स मोर देन यूजुअल, आई ड्रिंक मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर, एनी रेमेडी? अच्छा खूबसूरती का राज पानी है, चौथा बड़ा ग्लास अच्छा पानी। बस मैं यही कहने वाला था, मैं यही कहने वाला था। आई डू नथिंग, आई जस्ट ड्रिंक लॉट्स एंड वॉटर, लॉट्स ऑफ वॉटर। भाई ठीक है पी लें, लेकिन देखिए पानी का ना, पानी से अगर पानी पीने से स्किन अच्छी होती ना तो मेरी स्किन बहुत ही बुरी होनी थी, ठीक पानी है। जिंदगी है डॉक्टर मुबशिर। बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छी स्किन नहीं है पानी, पानी जिंदगी है, जिंदगी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर पानी पीने से होता तो रमजान में सारे मुसलमानों की स्किन जो है वो जमीन पे पड़ी हुई होती, ठीक है। हम लोग इतने डिहाइड्रेटेड होते हैं, खासतौर पर जो हॉट ह्यूमिड एनवायरमेंट्स में रहते हैं। तो पानी इज अ गुड थिंग, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, नो डाउट इन दैट, लेकिन इट्स वन ऑफ अ वेरी वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि जी पानी पीने से आपकी स्किन अच्छी होगी। पानी का स्किन से कोई ताल्लुक नहीं होता। स्किन जो है इट्स वन ऑफ द ऑर्गन्स के जो अपना अपने से का पानी खुद ही ले लेती है, ठीक है। हाँ अगर आपको कोई एनवायरनमेंट से ले लेती है ना। बहुत ही सीवियस किस्म का आपको डिहाइड्रेशन हो तो फिर स्किन से लास्ट ऑर्गन वन ऑफ लास्ट ऑर्गन चाहते बॉडी पानी लेती है टू सर्वाइव टू सस्टेन। लेकिन यह है कि वंस बॉडी बॉडी इट गेट्स रिहाइड्रेटेड स्टार्ट टू गेट रिहाइड्रेटेड, तो आपकी स्किन अपने हिस्से का पानी लेके अलग हो जाती है।
जहाँ तक आपकी बात है कि जी एक्सेस स्किन डेवलपिंग अराउंड माय फोरहेड, अगेन आई हैव टू सी व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय एक्सेसिव स्किन। डू यू मीन कि आपको रिंकल्स पड़ रहे हैं या आपकी स्किन लटक रही है? अगेन दैट वुड डिपेंड अपॉन योर एज, कि जी आपकी एज क्या है। जब हमारी एज थोड़ी ज़्यादा होती है ना, तो हमारे हमारी स्किन के ऊपर एजिंग शुरू हो जाती है, एजिंग के डिफरेंट साइंस हैं जो आना शुरू कर देते हैं। अब इसके अंदर फिर एक इंट्रिंसिक होती है जो आपकी, जो जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपकी जेनेटिक है प्रॉब्लम। एक होती है एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर जिन लोगों का होता है उनकी ज़्यादा जल्दी एजिंग होती है। तो अगेन आई हैव टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग विद योर स्किन। ड्यूरिंग समर स्किन ब्रेकआउट, अरे हाँ जी, समर में हर किसी का स्किन ब्रेकआउट होता है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर आप काम करने वाले आदमी हैं, काम पे जाते हैं आप, अगर अच्छे तो हो, अगर आप, और स्पेशली इफ यू आर यंग, तो आपका फ्रीक आपका सॉरी ब्रेकआउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स समथिंग वेरी नॉर्मल। कीप योर स्किन ड्राई, कीप योर स्कैल्प ड्राई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शैम्पू रोज करें। एक बहुत मजे की चीज़ होती है कि जी डॉक्टर साहब मेरे ना बाल गिर रहे हैं। अच्छा, शैम्पू कब करते हैं? जी वो मैं हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन। यू हैव टू शैम्पू एवरी डे, ठीक है? बाल नहीं खराब होते, बाल नहीं गिरते, कोई गंजा नहीं होता, शैम्पू से गंजे नहीं होंगे आप। लेकिन होता क्या है कि जब आपके सर में तेल निकलता है ना, देन इट स्टार्ट टू ट्रिकल डाउन, ठीक है? तो अगर आप नहीं शैम्पू करेंगे तो वो आपके सर से तेल निकले के नीचे आएगा ना, वो आपकी एक्ने मरीज खराब कर देगा। तो कीप योर स्किन ड्राई, कीप योर स्कैल्प ड्राई, ड्राइनेस इज अ लिटिल ड्राइनेस इज एक्चुअली गुड फॉर यू। और जो है वो ड्राइनेस मतलब बकाया वो बहुत लंबी प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें, लेकिन लेकिन द फुट नोट इज के आई हैव के देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज इज सो टेकिंग दैट मैसेज होम। एक ये हमारी तरफ से मैसेज है, जब भी आप किसी से मशवरा लें रिगार्डिंग योर स्किन, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपकी स्किन वो डॉक्टर देखे, क्योंकि बगैर देखे हम नहीं ट्रीट कर सकते करेक्टली। जो आप कह रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं और जो हम देखेंगे और जो हमें मालूम है, उसमें बहुत फर्क होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर मुबाशिर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर नॉलेज, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।